friends, I am Jyotsna. Welcome to my YouTube channel Online Entrepreneur. Friends, मैं आप सबके लिए आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ. इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे घर पर अपने मोबाइल में सिर्फ 5 मिनट में खोल सकते हैं, इसका फुल प्रोसेस मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी. वीडियो को शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल में IPPB ऐप को ओपन कीजिए. ओपन करने के बाद इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक का लॉगिन पेज आएगा. देखिए, आपको यहाँ पर जैसे कि लैंग्वेज चूज करने के बाद ओपन न्यू अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए. क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कीजिए. इसके बाद पैन कार्ड नंबर टाइप कीजिए और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए. इतना करने के बाद अपना मोबाइल पे एक OTP आएगा. उस OTP को यहाँ पर देके सबमिट में क्लिक कर दीजिए. उसके बाद देखिए इस टाइप का इंटरफेस आएगा. यहाँ आपका आधार को स्कैन करके दे सकते हैं, नहीं तो आधार नंबर टाइप कर सकते हैं. यहाँ पर आपका 12 डिजिट आधार नंबर को टाइप करने के बाद डिक्लेरेशन पर चेक मार्क करने के बाद सबमिट कर दीजिए. सबमिट करने के बाद मोबाइल में OTP आएगा, उसको यहाँ पर दे दीजिए और सबमिट में क्लिक कर दीजिए. इतना करने के बाद आपके सामने अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म आएगा जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पैन एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, नॉमिनी डिटेल्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा. तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं. यहाँ पर मदर मेडियन नेम टाइप कीजिए. यहाँ पर अपना मेल आईडी दे दीजिए. उसके बाद सेव में क्लिक कीजिए और पैन कार्ड कम्युनिकेशन एड्रेस पे जाइए और इसको भी सेव कर दीजिए. नेक्स्ट नॉमिनी डिटेल्स पर क्लिक कीजिए. देखिए यहाँ पर डू यू वांट टू इंटर नॉमिनी डिटेल्स, यहाँ पर आपको यस और नो करना है. अगर आपको नॉमिनी में यस करना है तो पहले नॉमिनी का नेम टाइप कर दीजिए और नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए. यहाँ पर रिलेशनशिप सिलेक्ट कर दीजिए और सेव में क्लिक कर दीजिए. नॉमिनी के बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आएगा. यहाँ पर नेशनलिटी इंडिया और मैरिटल स्टेटस दे दीजिए और ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हैं उसको टाइप कर दीजिए और यहाँ पर ग्रॉस एनुअल इनकम आपका दे दीजिए और आपका एजुकेशन क्या है उसको सिलेक्ट कर दीजिए. यहाँ पर देखिए आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन पूछा है. आप यस और नो में सिलेक्ट करने के बाद सेव में क्लिक कर दीजिए. सेव करने के बाद लास्ट में अकाउंट इन्फॉर्मेशन आएगा. देखिए यहाँ पर पूछा है
रिक्वायर एन अकाउंट स्टेटमेंट। अगर यस करते हैं तो नीचे में आपको मोड ऑफ अकाउंट डिलीवरी चूज करना पड़ेगा। आप यहाँ ऑनलाइन चूज कर सकते हैं या पोस्टल में चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑनलाइन चूज किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर डीबीटी मैपिंग लिखा है, रिसीव डीबीटी इन आईपीपीबी अकाउंट में सिलेक्ट करने के बाद आई एग्री में चेक मार्क देके सेव में क्लिक कर दीजिए। कंप्लीट फॉर्म फिल करने के बाद कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट आपके सामने पूरा फॉर्म फिल किया हुआ नजर आएगा। उस फॉर्म को पूरी तरह चेक करने के बाद कन्फर्म में क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म करने के बाद फिर से एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पर देके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट करते ही अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली दिखाएगा। यहाँ पर देखिए फाइनली कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर आ गया है। इसके बाद होम पेज पे जाके अपना लॉगिन में क्लिक कीजिए। यहाँ पर अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर टाइप करके रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ एमपिन सेट करना होगा। यहाँ पर 4 डिजिट का एमपिन देकर सेट एमपिन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली दिखाएगा। अभी आपका इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक का लॉगिन प्रोसेस पूरा हो गया है। चलिए अभी एमपिन देके हम लॉगिन करते हैं। एमपिन डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अकाउंट का पूरा प्रोफाइल नजर आएगा। यहाँ पर सेंड मनी, रिक्वेस्ट मनी, पे बिल, एटीएम कार्ड, भीम यूपीआई सारे सर्विसेज आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वर्चुअल एटीएम दिया है, इसको यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने के बाद इसी तरह का एटीएम कार्ड नजर आएगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह ऑनलाइन आपका मोबाइल में इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक का खाता खोल सकते हैं। नमस्कार।